हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। और आज की गाइज ये वीडियो है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बिगनर्स के लिए जो काले इंस्टॉल करने के बाद अपने वर्चुअल मशीन में या फिर ड्यूअल बूट में उनको ये नहीं समझ में आता कि अब क्या करें। काले तो इंस्टॉल कर लिया बट अब क्या, अब हम क्या करें। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 चीजें जो जस्ट आपको करनी है काले इंस्टॉलेशन के बाद। यानी जैसे आप काले इंस्टॉल कर ले उसके बाद ये 5 चीजें जरूर से जरूर करें, उसके बाद ही आप आगे कोई भी चीज करें काले के अंदर में तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये मेरा जो है एक तरह से फ्रेश इंस्टॉल काली है अगर मैं कहूं तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपको आपकी काली की रेपोजिटरी चेक करना, जहां से आप बाकी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। यानी कि अगर आपका रेपोजिटरी सही नहीं रहा तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर काली रिपोजिटरी से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और जब भी डाउनलोड या इंस्टॉल एप्ट-गेट कमांड से करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी। तो कैसे रेपोजिटरी चेक करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे सिंपली कमांड डालना है आपको vim /etc/apt, ये रेपोजिटरी का जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, sources.list। जैसे ही आप एंटर करेंगे, विम एक एडिटर है ध्यान रखिएगा गाइस, तो यहाँ पे आपको रेपोजिटरी की जो है फाइल आपको ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डिफॉल्ट काली रेपोजिटरी जो काली रोलिंग रेपोजिटरी है डाला हुआ है। अगर आपके रेपोजिटरी वाले सेक्शन में कोई और चीज डली हुई है, किसी और चीज का एंट्री हो, तो आप उसको सिंपली पूरी तरीके से रिमूव करके और डिफॉल्ट रेपोजिटरी डाल सकते हैं। लेट सपोज आपको ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, तो इसको आपको रिमूव कैसे करना है, सिंपली विम एडिटर में आपको सिंपली कीबोर्ड पे आई बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट मोड स्टार्ट हो जाएगा, और इंसर्ट मोड स्टार्ट होने के बाद गाइज आप यहाँ पे इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूं, और यहाँ पे डालना आपको डिफॉल्ट रिपोजिटरी है। तो डिफॉल्ट रिपोजिटरी कहां मिलेगी, आपको सिंपली अपना ब्राउजर लॉन्च करना है, यहाँ गूगल पे ओपन करना है, गूगल पे सर्च करना है काली डिफॉल्ट रेपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे सर्च करेंगे आपको ऊपर के दो लिंक्स मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट शुड माय सोर्सेज डॉट लिस्ट लुक लाइक, आप ये भी लिंक ओपन कर सकते हैं। ये लिंक जो है काली का ही डिफॉल्ट आपको लिंक आपको देगा, और आपको जो है बताएगा कि कौन सा आपका जो डिफॉल्ट रिपोजिटरी है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये है आपका डिफॉल्ट रिपोजिटरी। आप सिंपली आप इसको कॉपी करके और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और अपने जो विम एडिटर से जो फाइल ओपन की है यहाँ पे आप इसको ला के यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और वी इससे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, और ये जो है हमारा डिफॉल्ट रेपोजिटरी है। इसको अब उसके बाद आपको स्केप की प्रेस करना है कीबोर्ड पे, और आपके कॉलन डब्ल्यू क्यू से आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरे काली के स्टार्टिंग के अगर वीडियोज आपने देखे होंगे, जो कि काली की पूरी प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो काली के एकदम बिगनर्स वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि किस तरीके से वेम से आप एडिट कर सकते हैं फाइल को, किस तरीके से सेव करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सेव करके बाहर निकल गया। अब इसको सेव करने के बाद जब आपने डिफॉल्ट रिपोजिटरी सेट कर दिया है, तो आपको कमांड सबसे पहले चलाना है apt-get update, ठीक है। ये कमांड आपको चलानी है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये जो है आपके जो है उस रिपोजिटरी को अपडेट कर देगा, अगर कुछ अपडेट रिक्वायर्ड होगी तो, वरना जो है आपको सिंपली ये ओके करके दे देगा। यहाँ फिलहाल कोई भी ऐसी रिक्वायर्ड नहीं थी, अगर आपका पहली बार आप सेटअप करोगे तो थोड़ा समय आपको लग जाएगा। तो फिलहाल हमने ये जो दो काम है ये कर लिए। तीसरा काम आपको क्या करना है, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अभी रूट एक्सेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, ये आपको रूट एक्सेस मिला हुआ है। आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड यूजर अभी फिलहाल आपके इस मशीन पे नहीं है। स्टैंडर्ड यूजर का मतलब ये है कि कोई भी काम आप काली में रूट एक्सेस से करते हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आप अपने जो है आप अटैक्स को बुलावा दे सकते हैं, यानी कि आप जो अटैकर हैं, जो हैकर्स हैं, वो इसी खोज में रहते हैं कि कौन सी ऐसी मशीन है जिसको ऑलरेडी रूट एक्सेस मिला हुआ है, और उस पर वो कुछ सेंसिटिव काम या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक स्टैंडर्ड यूजर बनाना चाहिए जैसे ही आप काली इंस्टॉल करें। तो स्टैंडर्ड यूजर का मतलब है कि आप एक लो प्रिविलेज यूजर जिसको कि रूट की परमिशन ना हो वो बनाना है, ताकि आप जैसे कि टॉर से रिलेटेड कोई काम करें, टॉर ब्राउजर वगैरह जब भी आप यूज करें या फिर टॉर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करें, तो आप लो प्रिविलेज यूजर वाले ही अकाउंट से यूज करें, तो रूट से ना करें, या वीएलसी चलाएं तो आप रूट से ना करें, वीएलसी वार्निंग भी देता है। बहुत सारे ऐसे काम है काली में जो आप रूट यूजर से ना करें तो आपके लिए बेटर होगा, यानी कि अगर आप रूट यूजर से करते हैं तो ये पॉसिबल है कि अटैकर्स आपके उस रूट यूजर का इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है। जब आपके पास रूट परमिशन ही नहीं होगी तो अटैकर क्या कर लेगा भला। तो अब गाइस लो प्रिविलेज यूजर यानी कि स्टैंडर्ड यूजर बनाने के दो तरीके, ग्राफिकली और कमांड लाइन से। कमांड लाइन से कैसे करना है मैं आपको ग्राफिकली पहले दिखा लेता हूँ कि कोई यूजर है कि नहीं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे आपको सिंपली चलना है यहाँ पे सेटिंग पे चलना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है,
ओके यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन खोलने दो। यहाँ पे सेटिंग के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे नीचे जाना है डिटेल्स पे और यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नो यूजर फाउंड, ठीक है कोई भी यूजर नहीं है, तो फिलहाल इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब ग्राफिकली छोड़ के अभी पहले कमांड लाइन से बनाते हैं। तो कमांड लाइन से यूजर ऐड करने का जो होता है वो होता है यूजर ऐड, बहुत ही सिंपल कमांड है, यूजर ऐड हाइफन एम से होम डायरेक्टरी बनती है और उसके बाद यूजर का नेम जैसे मैंने टीएन कर दिया, एंटर कर दिया, टीएन नाम का यूजर बन चुका है। ग्राफिकली मैं आपको चलिए वहां पे ले चल के दिखा देता हूँ कि बना भी है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे अब जब ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन, ये देखिए यहाँ पे टीएन यूजर बन चुका है, ये स्टैंडर्ड यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये स्टैंडर्ड यूजर है, ठीक है। यहाँ पे बट यहाँ अकाउंट डिसेबल्ड है, पासवर्ड अभी सेट नहीं किए हुए हैं, जब तक आप पासवर्ड सेट नहीं करेंगे अकाउंट डिसेबल्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, तो उसके लिए कमांड है पास डब्ल्यू डी, उसके बाद आप जो यूजर है उसका यूजर नेम लिख दीजिए। ये सब कुछ मैंने अपने काली के स्टार्टिंग के वीडियो जो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे बिगिनिंग वीडियोस मिलेंगे उसमें जाके आप देख लीजिएगा, सब मैंने बताया हुआ है मैं क्या कर रहा हूँ। एंटर करना है, उसके बाद एक नया पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे नया पासवर्ड इसका डाल देता हूँ, बहुत ही सिंपल पासवर्ड डालता हूँ, एंटर कर देता हूँ, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब वापस से ग्राफिकली चलते हैं, देख लेते हैं फटाफट कि क्या हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस अब जो है ये अकाउंट एक्टिवेट हो चुका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है और अकाउंट डीएक्टिवेशन का कुछ नहीं लिखा हुआ, अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। इस तरीके से आप एक लो प्रिविलेज यूजर बना सकते हैं, ये काम था आपका तीसरा जो आपको करना ही करना है, तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ये तीन काम हमने कर लिए काले इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। चौथा कमांड जो है, चौथा जो काम है आपका वो है आपको गिट इंस्टॉल करना, ठीक है। गिट का क्या फायदा है मैं आपको बता दूंगा। जो भी आप गिटहब पे जितने रिपोजिटरी आप देखते हैं, गिटहब पे बहुत सारे आपने स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करे होंगे, इंस्टॉल करे होंगे, गिट क्लोन स्पेस समथिंग समथिंग करके, या फिर बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट्स या टूल्स जो है गिटहब पे मिल जाएंगे काली के। तो काली के टूल्स और उन गिटहब स्क्रिप्ट्स को यूज करने के लिए आपको गिट को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो उसके लिए आप एप्ट गिट इंस्टॉल यहाँ पे आपको चला देना है और गिट एंटर कर देना है, उसके बाद ये गिट को इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे अगर पहले से इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो जाएगा, अगर पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे आ जाएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिलहाल मेरा इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर रहा है। इस तरीके से आपको पहले गिट इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आप गिट क्लोन कमांड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिट मेरा इंस्टॉल लगभग हो चुका है और उसके बाद जो है मैं इस गिट कमांड का, गिट क्लोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो कोई भी गिटहब रिपोजिटरी को, जैसे कि मैं अपना ब्राउजर खोल के ओपन किया आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे GitHub काली टूल्स आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं से भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए। उसके बाद GitHub पे बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो काले लिनक्स में आपको एज स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन सेक का कैटुलिन, यहाँ पे आप इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सारे टूल्स को आपको डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आपके काली मशीन पे आपको सिंपली एक कमांड गिट क्लोन का यूज करना पड़ता है, तो वो कमांड आपको यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करना है गाइस मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से फटाफट। ये ओपन होके आ गया, अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, क्लोन पे क्लिक करके और यहाँ पे जो इसका गिट लिंक है सिंपली इसको आपको सिंपली कॉपी करना होता है, गिट लिंक वाले को यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया उसके बाद आप कर सकते हैं गिट क्लोन और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के बाद गाइस ये जो है उसको क्लोन कर देता है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप की कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे जब ये हो तो गिट क्लोन और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये इसको क्लोन करना शुरू कर देगा आपके डेस्कटॉप पे, देख लीजिए आप यहाँ पे कैटोलिन का ये बन चुका है। इस तरह से इसके यूज के लिए आपको गिट को इंस्टॉल करना जरूरी है जब भी आप काली को नया इंस्टॉल करें। तो इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो है जो आपको करना जरूरी है वो है टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर का आप कोई भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यानी कि अभी आप एक टर्मिनल में काम कर रहे हैं, आप हो सकता है आपको दो मल्टीपल टर्मिनल में एक साथ काम करना का मन करे, तो आप सिंपली वैसे तो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करके आप दूसरा टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, बट ये कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ और ये आप देख सकते हैं अजीब तरीके का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का काम होता है अलग अलग टर्मिनल्स में आपको काम करने का मौका देगा, तो उसके लिए आपको है आप बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर हैं, स्क्रीन है, टेलिक्स है, तो यहाँ पे हम फिलहाल ऐप गेट इंस्टॉल करके और काली रिपोजिटरी के अंदर जो है टेलिक्स उसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे ये टेलिक्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा लंबा है थोड़ा सा समय लग जाएगा, उसके बाद टेलिक्स जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप टेलिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरीके से मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो जो टेलिक्स है वो डिफॉल्ट काली रिपोजिटरी के अंदर में एक टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मल्टी जो टर्मिनल है वो मिल जाएंगे, तो अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सो टेलिक्स इंस्टॉल हो चुका है गाइस, अभी से हम क्लियर कर देते हैं कैसे यूज करना है। सिंपली आपको टाइप करना है टेलिक्स और एंटर कर देना है और आपको ये एक मल्टीपल टर्मिनल ओपन करके आपको दे देता है। देखिए आप यहाँ पे अब आप इस टर्मिनल में भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप टेलिक्स जब टाइप करेंगे तो ये एक और टर्मिनल आपको ओपन करके दे देता है, और ऐसा नहीं कि पहले वाले टर्मिनल को बिजी रखता है, पहले वाले टर्मिनल में भी आप जाके दूसरा काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे दूसरा कुछ काम कर सकते हैं, नए वाले पे कुछ और कर सकते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पे मैंने कैलेंडर कमांड चला दिया,
यहाँ पे मैंने कुछ डेट कमांड चला दिया, तो ये सब बिल्कुल डिफरेंट काम करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये बिजी आपका हो जाता है आप फिलहाल। सो गाइज इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टेलिक्स को मल्टीप्लेक्सर के रूप में टर्मिनल के। सो गाइज स्टार्टिंग में जब भी आप काली इंस्टॉल करें तो ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल और सेटअप कर देना है। उसके बाद आप अपने फेवरेट एथिकल हैकिंग टूल्स और पेंटेस्ट टेस्टिंग टूल्स और बग हंटिंग टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आगे की जो है प्रोसेस वो कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।